गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एक छोटा सा चैप्टर है हमारे इकोसिस्टम या बायोडाइवर्सिटी में, वो आता है कि भारत में जो वन्य जीव हैं इनको संरक्षण करने के लिए कौन कौन से प्रोजेक्ट चलाए गए हैं। इनकी प्रोजेक्ट इन इंडिया टू प्रोटेक्ट आवर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज या वाइल्ड लाइफ या वाइल्ड लाइफ वन्य जीवों को संरक्षित करने के लिए कौन कौन से जो हैं प्रोजेक्ट भारत में चलाए गए हैं। एक छोटा सा हमारा टॉपिक आता है, इसमें तमाम प्रोजेक्ट चले हैं जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा, क्योंकि हमें पता है अच्छे तरीके से कि शेर का शिकार भी हुआ, टाइगर का शिकार भी हुआ, मगरमच्छ, हाथी, इन सब को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा। इन सब के संरक्षण के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, प्रोटेक्शन जो प्रोटेक्शन प्रोग्राम यानी कि एक संरक्षण परियोजना चलाई गई है। सवाल पूछता है कौन सी कब चली थी और कहां से चली थी। मेन जो क्वेश्चन पूछता है कब कौन सी कब चली और कहां से चली, इसमें कुछ चीज़ें हम और भी ऐड कर सकते हैं कि हमारी जो फेमस हैं कौन कौन सी हैं, उनको हम देख लेंगे एक तरीके से। तो आज का लेक्चर आपका इसी पर है, ठीक है। तो इसी को हम आगे बढ़ाते हुए शुरुआत करते हैं प्रोजेक्ट टाइगर से। टाइगर तो आप जो हमने काफ़ी प्रोजेक्ट देखने हैं, उनमें सबसे पहला जो प्रोजेक्ट होगा हमारा वो होगा प्रोजेक्ट टाइगर यानी कि बाघ परियोजना, प्रोजेक्ट टाइगर, ठीक है। चलिए जी, प्रोजेक्ट टाइगर को हम एक बार नजर मार लेते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर क्या था? पहली बात तो आपको देखिए, मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि मैं आपको दो तीन के नाम यहाँ पर दिखा रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को टाइगर लॉयंस, ठीक है, और जो मस्क डियर है यानी कि जो कस्तूरी मृग है वो हो गया, एलिफेंट हो गया, इनके आपको साइंटिफिक नेम भी पता होने चाहिए जरूर, क्योंकि ये चूंकि एनसीईआरटी बेस आपको पेपर है तो इसमें आप लोगों से इजी साइंटिफिक नेम जो है वो पूछ सकता है। ठीक है, वहां रोहित वो सेव दो हैं, वो जो आपने सेव जो दो भेजे हैं वो दोनों अलग अलग हैं, सेव और सेव दोनों ही अलग अलग हैं। चलो ठीक है, तो ये हमारा जो टाइगर है हम वन बाय वन सब पे बात करेंगे, प्रोजेक्ट टाइगर, ठीक है। तो देखिए जितने भी हमारे यहाँ पर है, जितने भी वाइल्ड लाइफ एक्ट चलाए जाएंगे प्रोटेक्शन के लिए, पहली बात तो वो अब भारत के वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत चलेंगे। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत ही चलेंगे। इस बात को आप अच्छे से समझ जाइए जो आपको बोलना चाह रहा हूं कि भारत में जितने भी प्रोजेक्ट चलने वाले हैं अभी आप पढ़ेंगे, वो सारे वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 के अंतर्गत चलने हैं, अर्थात वन्य जीव अभ्यारण 1972 के अंतर्गत ही चलाए जाने हैं, ठीक है। सबसे पहले आता है टाइगर। मैं फिर बोल रहा हूं शुरू करने से पहले कि इन सब के साइंटिफिक नेम याद जरूर जरूर कीजिएगा, और आप जितने भी विद्यार्थी मेरी लाइव क्लास देख रहे हैं या फिर लाइव क्लास को बाद में देखेंगे, मैं आप लोगों को एक बात और बताऊं कि एग्रीकल्चर हटाया है ये ऐसा आयोग ने बोला है, लेकिन मैं फिर बोल रहा हूं एग्रीकल्चर के वो पार्ट जरूर आएगा जो एग्रीकल्चर बॉटनी से रिलेटेड है, जैसे कि क्रॉप्स के साइंटिफिक नेम, क्रोमोसोम आपसे पूछ सकता है कि इसमें कितने होते हैं, ठीक है, और उसके अलावा किसकी फैमिली कौन सी है, कौन सी क्रॉप की फैमिली कौन सी, आपसे ये पूछ सकता है, और कौन सी क्रॉप में कौन सा जो डेंजरस डिजीज लगती है यानी कि खतरनाक जो है वो बीमारी लगती है वो आपसे पूछ सकता है। तो ये थोड़ी बहुत जानकारी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि डिजीज, बोटानिकल नेम, ये सब हम बॉटनी में पढ़ते हैं, दैट इज अ पार्ट ऑफ द बॉटनी, ठीक है। हम ज़्यादा पढ़ लें, पेपर कम से आए, कोई दिक्कत नहीं है, हमारी तैयारी कभी भी कम नहीं होनी चाहिए। तैयारी जो है कभी ऐसे मत सोचिए कि ऐसा ना है वैसा ना है। मैं आपको एग्जांपल दूंगा, तो एक पेपर हुआ था लेक्चरर प्रवक्ता की जनरल स्टडी में, इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक दिए थे और पिछली बार टॉपिक से क्वेश्चन पूछे थे, इस बार पेपर हुआ तो टॉपिक से सवाल मात्र 3 पूछे, 10% सवाल भी टॉपिक से नहीं आए, सारे आउट ऑफ टॉपिक आ गए। तो इसलिए आपको मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा इसके लिए। हाँ, एक दो क्लास मैं इसी वीक दे दूंगा मैं आप लोग को, आज के बाद मैं जो क्लास देने वाला हूँ आप लोगों को एग्रीकल्चर पे देने वाला हूँ, नहीं एग्रीकल्चर पे क्लास मैं आपको 6-7 तारीख के बाद दूंगा, क्योंकि उस पर मुझे टाइपिंग मटेरियल ज़्यादा चाहिए, ठीक है। और उससे पहले मैं आपको टाइप ऑफ फॉरेस्ट, वनों के प्रकार पर क्लास दे दूंगा, और उसके बाद जो प्राकृतिक संसाधन नेचुरल रिसोर्सेस है उस पर मैं आप लोगों को एक क्लास दे दूंगा, ठीक है। तो ये दो क्लास मैं आप लोगों को दे दूंगा, और शनिवार को हम सब तैयार रहेंगे एक मेगा लाइव सेशन के लिए, बढ़िया वन दुर्गा पे लाइव सेशन करेंगे 10 से 12 घंटे का, और आप सभी तैयार रहेंगे उस दिन, खूब जोश खरोश के साथ वन दुर्गा के क्वेश्चंस को हम करेंगे, ठीक है। मैक्सिमम सिलेबस आपका तब तक आ जाएगा। चलिए ठीक है,
तो वन्य जीवों को बचाना है तो प्रोजेक्ट चलाने पड़ेंगे। तो प्रोजेक्ट सबसे पहले आता है प्रोजेक्ट टाइगर, यानी कि बाघ परियोजना, प्रोजेक्ट टाइगर जी। तो ये बोटानिकल नेम सब अगर दे रखा है आपको, जो प्रोजेक्ट टाइगर है इसकी शुरुआत होती है जिम कॉर्बेट पार्क से। ध्यान रखना कहाँ से शुरुआत होती है, जिम कॉर्बेट पार्क। जिम कॉर्बेट पार्क भारत का पहला टाइगर रिजर्व भी है। 1 अप्रैल 1973 1 अप्रैल 1973 को शुरुआत होती है प्रोजेक्ट टाइगर की, ठीक है जी। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड से इसकी शुरुआत की जाती है, ठीक है। ये जो प्रोजेक्ट टाइगर जो चला है ये किसके अंडर में चला है, ये मतलब इसको कौन देख रेख कर रहा है इसकी वर्तमान में, इसकी वर्तमान में जो देख रेख कर रहा है वो NTCA कर रहा है। NTCA देख रेख करता है इसका। NTCA 2005 में बना था। NTCA बोले तो नेशनल टाइगर जो है कंजर्वेशन अथॉरिटी, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो है ये 2005 में बना था। ये सवाल बहुत पूछता आप लोगों से कि NTCA कब बनता है, तो 2005 में NTCA जो भी टाइगर में प्रोजेक्ट्स वगैरह चल रहे हैं इन सब की देख रेख के लिए जो है NTCA मेनली जो है वो बनाया गया है, ठीक है जी। तो जो प्रोजेक्ट टाइगर चला था 1 अप्रैल 1973 से, इसके डायरेक्टर कौन थे, इनके इसके डायरेक्टर जो है कैलाश श्रृंखला को बनाया गया था। कैलाश श्रृंखला, कैलाश नाम याद रखेंगे, कैलाश श्रृंखला को इसका डायरेक्टर बनाया गया था। ये सवाल अभी रिसेंटली पूछा था कि जिम जो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत होती है इसके डायरेक्टर कौन थे, कैलाश श्रृंखला को बनाया गया था। मैं आपको टाइगर्स के बारे में कुछ और मिसलिनियस बातें बता दूं तो उसको आप ध्यान रखिए। सर्वाधिक टाइगर, मैक्सिमम टाइगर मध्य प्रदेश में है, भारत में। ध्यान रखना भारत में सर्वाधिक टाइगर कहां पर है, मध्य प्रदेश में है, ठीक है जी। मध्य प्रदेश के बाद दूसरे सर्वाधिक जो टाइगर है ये कर्नाटका में है और नंबर 3 सर्वाधिक टाइगर है उत्तराखंड में। भारत के जो है तीसरे सर्वाधिक टाइगर होंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो सर्वाधिक कहां पर है भाई, मध्य प्रदेश, दूसरा कर्नाटक, तीसरा उत्तराखंड। अब कहां पर कितने टाइगर हैं, मध्य प्रदेश में लगभग 526 हैं, कर्नाटक में लगभग 524 हैं और उत्तराखंड स्टेट लगभग 442 हैं। अब ये मैं कैसे बोल रहा हूं कि 442 हैं, क्योंकि टाइगर की गणना होती है। टाइगर की गणना कैसे होती है, पुराना तरीका था फुटप्रिंट यानी कि पैरों के निशान देखना। एक नया जो टेक्निक आई है वो सेंसर टेक्निक नहीं आई है, वो आपके सिलेबस में कभी नहीं है, कभी नहीं पूछेगा, वो UPSC का चैप्टर है, आप उसको यहां पर छोड़ दीजिए फिलहाल। सर्वाधिक टाइगर पूरी दुनिया में कहां है, तो इंडिया में सर्वाधिक टाइगर आपको मिलेंगे। मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइगर कहां मिलेंगे आपको पूरी दुनिया में, इंडिया के बाद रशिया में मिलेंगे। ये भी ध्यान रखना, अगर सवाल पूछे कि दुनिया में भारत के बाद सर्वाधिक टाइगर कहां पर है तो रशिया में है, लेकिन सर्वाधिक जो टाइगर की आबादी है वो कहां पर है, तो इंडिया में इनकी सर्वाधिक आबादी है। भारत में भी मध्य प्रदेश में सर्वाधिक है, उसके बाद कर्नाटक में है और उसके बाद उत्तराखंड में है। लेकिन अगर आपसे सवाल पूछे कि सर्वाधिक टाइगर कौन से स्टेट में है, तो मध्य प्रदेश को बाघों का स्टेट भी बोलते हैं, स्टेट ऑफ द टाइगर्स भी कहते हैं। लेकिन अगर सवाल पूछे कि सर्वाधिक टाइगर किस नेशनल पार्क में है, अभी तक तो सवाल यह था कि सर्वाधिक टाइगर कौन से स्टेट में है, तो उत्तराखंड बोलेंगे। अगर सवाल पूछे कि सर्वाधिक टाइगर कौन से नेशनल पार्क, अगर आपसे नेशनल पार्क पूछे तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आप बोल देना, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में सर्वाधिक टाइगर है, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइगर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। दोनों सवाल अलग अलग हैं। अगर सवाल पूछे कि सबसे ज्यादा टाइगर किस स्टेट में है, तो मध्य प्रदेश में, किस नेशनल पार्क में है, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में सबसे अधिक टाइगर रिजर्व है, यह बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है जी। अब कुछ जो और मैं आपको मिसलिनियस बातें बता दूं इसमें टाइगर के मामले में, चलिए जी। सबसे पहला टाइगर रिजर्व कौन सा था, सबसे पहला टाइगर रिजर्व, मैं टाइगर के बारे में इतनी बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि यहां से सवाल पक्का बनते हैं। सबसे पहला टाइगर रिजर्व कौन सा था, जिम कॉर्बेट सबसे पहला टाइगर रिजर्व था, ठीक है जी। और अगर आपसे पूछे वर्तमान में टाइगर रिजर्व कितने हैं, तो वर्तमान यानी कि प्रेजेंट में वर्तमान में टाइगर रिजर्व हो चुके हैं 51, पहले 50 थे, अब एक और बढ़ चुका है, 51 टाइगर रिजर्व जो हैं वो हो चुके हैं, ठीक है। इसके बाद अगर आपसे पूछे कि लेटेस्ट कौन सा है, तो लेटेस्ट है श्री विल्ली पुथुर
वर्तमान में ये लेटेस्ट टाइगर रिजर्व है, 51st है। श्री विल्लीपुथुर जो है ये तमिलनाडु में आपका टाइगर रिजर्व खुला है, ये लेटेस्ट टाइगर रिजर्व है, ठीक है। इससे पहले 50वां कौन सा था, कामलांग था, 50वां कौन सा था, कामलांग था, ठीक है जी, कामलांग 50वां टाइगर रिजर्व था। और उसके पहले 49th था ओरांग, 49th कौन सा था, ओरांग। और 48th बड़ा जरूरी हमारे लिए, क्योंकि 48th कौन सा है, राजा जी, राजा जी चूंकि हाथी के लिए फेमस है, लेकिन ये 48वां टाइगर रिजर्व भी है, चूंकि आप वन दुर्गा उत्तराखंड का देने जा रहे हैं तो ये आपको जानकारी पता होनी चाहिए कि राजा जी 48th टाइगर रिजर्व था, ठीक है जी। और जिम कॉर्बेट पहला टाइगर रिजर्व है। वर्तमान में कितने अगर आपसे पूछे तो वर्तमान में कुल टाइगर रिजर्व में कितने, 51 टाइगर रिजर्व है वर्तमान में, ठीक है। अगर आपसे पूछे हाईएस्ट, सबसे ऊंचा टाइगर रिजर्व कौन सा है, सबसे ऊंचा अगर आपसे पूछे हाईएस्ट टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो याद रखिए नामदफा, नामदफा टाइगर रिजर्व इज द हाईएस्ट टाइगर रिजर्व। सबसे ऊंचा टाइगर रिजर्व जो है वो नामदफा टाइगर रिजर्व है, अरुणाचल प्रदेश में नामदफा टाइगर रिजर्व। अगर आपसे पूछे सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो याद रखिए नागार्जुन, नागार्जुन, नागार्जुन टाइगर रिजर्व सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है भारत का। सबसे बड़ा नागार्जुन, सबसे पहला जिम कॉर्बेट, सबसे ऊंचा कौन सा है, तो नामदफा, नामदफा, ठीक है जी। और अगर पूछे दुनिया का सबसे बड़ा कौन सा है, तो दुनिया का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है हुकांग घाटी, हुकांग घाटी, हुकांग घाटी टाइगर रिजर्व म्यांमार में है। दुनिया का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व यह है। भारत में कौन सा, तो भारत में सबसे बड़ा कौन सा है, नागार्जुन टाइगर रिजर्व भारत का सबसे बड़ा है, ठीक है जी। इसके अलावा आपको एक बात और पता होनी चाहिए कि जो टाइगर है, टाइगर यानी कि बाघ, बाघों से संबंधित एक टास्क फोर्स, एक फोर्स, एक कमेटी बनी थी, वो कमेटी बनी थी 2005 में अध्यक्षता में सुनीता नारायण, याद रखिए सुनीता नारायण की अध्यक्षता में एक कमेटी बनती है, सुनीता नारायण। अगर आपसे पूछे कि सुनीता नारायण टास्क फोर्स का संबंध 2005 किससे है, तो बाघों के संरक्षण से संबंधित भारत सरकार द्वारा कमेटी कौन सी बनी थी, सुनीता नारायण समिति, सुनीता नारायण समिति जी। टाइगरों, टाइगर्स के संरक्षण के लिए टाइगर एक्शन प्लान भी वो आया था। अगर आपसे पूछे कि टाइगर एक्शन प्लान कहां से शुरू होता है, टाइगर एक्शन प्लान, तो याद रखिए टाइगर एक्शन प्लान, टाइगर एक्शन प्लान जो है, टाइगर एक्शन प्लान टाइगर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए सरिस्का नेशनल पार्क, सरिस्का नेशनल पार्क राजस्थान से शुरुआत हुई थी। तो टाइगर एक्शन प्लान की शुरुआत कहां से होती है, सरिस्का नेशनल पार्क से होती है, जबकि जो प्रोजेक्ट टाइगर है कहां से होता है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से इसकी शुरुआत होती है, ठीक है। उसके बाद दूसरा आता है आपका व्हाइट टाइगर, व्हाइट टाइगर सफेद बाघ, व्हाइट टाइगर जो है सबसे अधिक मिलते हैं मध्य प्रदेश में, भारत में सर्वाधिक कहां मिलते हैं, मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश में कहां मिलते हैं, बांधवगढ़, बांधवगढ़, बांधवगढ़ में सबसे अधिक आपको जो है व्हाइट टाइगर मिलेंगे, इसलिए बांधवगढ़ को सफेद बाघों का देश बोलते हैं, सफेद बाघों का देश, सफेद बाघों का देश, अ कंट्री ऑफ व्हाइट टाइगर्स किसे बोलते हैं, तो बांधवगढ़ को, ठीक है। इनका जो बोटानिकल जो साइंटिफिक नेम है ये सब आपको पता होना चाहिए बड़े तरीके से। बांधवगढ़ को सफेद बाघों का देश भी कहा जाता है, बांधवगढ़ इसी के लिए फेमस है, ठीक है जी। तो ये तो था हमारा टाइगर, टाइगर के बारे में मैंने आपको बेसिक इंफॉर्मेशन दी। उसके बाद आता है स्नो लेपर्ड, हिम तेंदुआ, नेक्स्ट आपका आता है स्नो लेपर्ड यानी कि हिम तेंदुआ, हिम तेंदुआ, स्नो लेपर्ड, क्योंकि ये ऊंचे क्षेत्र, बर्फीले क्षेत्र में आपको मिलेगा, ठीक है जी। स्नो लेपर्ड, स्नो लेपर्ड यानी कि हिम तेंदुआ प्रोजेक्ट शुरू हुआ था भारत में 2009 में, हिम तेंदुआ परियोजना 2009 में शुरू होती है, 2009 स्नो लेपर्ड। स्नो लेपर्ड आपको जनरली ग्रेट हिमालय, महान हिमालय क्षेत्र में देखने को मिलता है। महान हिमालय क्षेत्र में स्नो लेपर्ड जो आपको मिलेगा वो मुख्यतः उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में मिलेगा, इसलिए स्नो लेपर्ड परियोजना के लिए फेमस नेशनल पार्क उत्तराखंड उत्तरकाशी का गोविंद पशु विहार, गोविंद पशु विहार, और हिमाचल का पिन वैली, पिन वैली नेशनल पार्क, पिन वैली और ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, ये फेमस है किसके लिए, स्नो लेपर्ड के लिए, ये स्नो लेपर्ड के लिए फेमस है। गोविंद पशु विहार उत्तराखंड, पिन वैली और ग्रेट हिमालय कहां पर, हिमाचल प्रदेश, दैट इज द फेमस।
परियोजना कब शुरू होती है आपसे पूछता देना ली, परियोजना शुरू हुई थी कब, 2009 में ये प्रोजेक्ट जो है जनरली सामने आता है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट हम इसके बाद बात करेंगे, हमारा अगला जो जीव आता है वो आता है गिद्ध। गिद्ध इसको बोलते हैं गिद्ध, गिद्ध क्योंकि आप सभी समझते हैं जानते भी हैं जो गिद्ध हैं ये संकटाग्रस्त प्रजाति है, वर्तमान में लगभग गायब होने की कगार पर है। सर्वाधिक गिद्ध फिलहाल अभी मिलते हैं तो कहाँ मिलते हैं, गुजरात में मिलते हैं, लेकिन गिद्ध जो है वर्तमान में ये गायब होने की कगार पर हैं। इनको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है गिद्धों को। गिद्धों को नुकसान पहुंचने के पीछे जो मेन वजह थी, जो मेन वजह पाई गई है वो पाई गई है एक मेडिसिन। वो मेडिसिन आप सभी जानते हैं कि हम पशुओं को वो मेडिसिन देते हैं दूध निकालने के लिए, ठीक है जी, दूध निकालने के लिए मेडिसिन वो दी जाती है पशुओं को, इसका नाम है डिक्लोफिनेक। डिक्लोफिनेक जी, डिक्लोफिनेक, डिक्लोफिनेक डिक्लोफिनेक। आप देखिए डिक्लोफिनेक 1991 में हमारी कंट्री में आती है, 1991 में जो डिक्लोफिनेक आई थी, ठीक है, और जो 1991 में आती है तो गिद्धों की संख्या में भारी कमी आने लग गई। 2001 में जो है हरियाणा में गिद्ध देखभाल सेंटर बनाया गया। हरियाणा में जो है, जो हरियाणा स्टेट है, हरियाणा स्टेट में एक गिद्ध देखभाल सेंटर, गिद्ध देखभाल सेंटर जो है हरियाणा स्टेट में बनाया गया था, ठीक है जी, हरियाणा। 2001 में वल्चर प्रोटेक्शन यानी कि गिद्ध देखभाल जो केंद्र है वो कहां बनाया गया, हरियाणा में बनाया गया 2001 में, ठीक है जी, 2001 में। अब इसके बाद क्या हुआ कि 2004 में जो जटायु, 2004 में जटायु जो नेशनल पार्क है जटायु हरियाणा में, वहां पर गिद्धों का संरक्षण और गिद्धों का प्रोटेक्शन जो है वो भी शुरू किया गया। अगर आपसे सवाल पूछे कि गिद्धों जो विल्चर्स हैं इनकी ब्रीडिंग से संबंधित नेशनल पार्क कौन सा है, तो जटायु नेशनल पार्क जो है कहां पर, हरियाणा, इनकी ब्रीडिंग से संबंधित है, 2004 में बना, ठीक है जी। 2008 तक सरकार को समझ आ गया कि गिद्धों की संख्या बहुत कम हो रही है और इसके पीछे मेन कारण क्या है, डिक्लोफिनेक। 2008 में सरकार ने डिक्लोफिनेक पर बैन लगा दिया। डिक्लोफिनेक क्या हो गई, भारत में बैन हो गई डिक्लोफिनेक, ठीक है जी। डिक्लोफिनेक क्या होता है कि डिक्लोफिनेक जब हम पशु को लगाते हैं और जब पशु मरता है, पशु जब मरता है तो जनरली पशु को फेंक दिया जाता है। इन पशुओं को खाने का काम गिद्ध करता है। एक तरीके से गिद्ध पर्यावरण में जरूरी है, इकोसिस्टम में जरूरी है, जो साफ सफाई का काम भी करते हैं गिद्ध। तो जब पशुओं को डिक्लोफिनेक दिया गया था, वो डिक्लोफिनेक पशुओं के मांस हड्डी यहां पर पाया गया, जब गिद्ध ने उसको खाया तो ये डिक्लोफिनेक जो है ये गिद्धों के गुर्दों पे असर डालता है, गुर्दे पे। ध्यान रखिएगा, सवाल पूछेगा कि डिक्लोफिनेक जो है वो गिद्ध किस दवाई की वजह से, गिद्धों की संख्या कम हुई तो डिक्लोफिनेक की वजह से हुई, और जो डिक्लोफिनेक है वो गिद्धों के किस भाग पर सर्वाधिक असर डालता है, तो सर्वाधिक असर जो डालता है वो गुर्दे पे सर्वाधिक असर डालता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोगों से बनते हैं। अब आ जाइए लॉयन, एशियन लॉयन, एशियटिक लॉयंस, ठीक है जी। लॉयन बोटानिकल नेम जो है इसका आपको दिया गया है, ठीक है। स्टेटस इंडेंजर्ड स्पीशीज, संकटाग्रस्त प्रजाति है, और भारत में कहां मिलते हैं, गिर गुजरात में मिलते हैं आपको, गिर गुजरात में आपको जनरली देखने के लिए मिलेंगे। और यही जो गिर गुजरात है, जो गिर गुजरात है यहीं से शुरुआत होती है किसकी, गिर परियोजना यानी कि लॉयन प्रोजेक्ट जो है वो उसकी शुरुआत होती है गिर नेशनल पार्क से, ठीक है जी, गिर नेशनल पार्क से ही शुरुआत होती है। तो सर्वाधिक आपको एशियाई शेर कहां मिलने हैं, तो गिर नेशनल पार्क में मिलने हैं। पूरी दुनिया में सर्वाधिक एशियाई शेर या ये लॉयन कहां पर है अगर आपसे पूछे, तो तंजानिया में, ध्यान रखना, तंजानिया में सबसे ज्यादा आपको मिलेंगे, तंजानिया में, ठीक है, तंजानिया में सबसे ज्यादा है
तंजानिया के बाद किसकी रैंक आती है, भारत की आती है, भारत इसके लिए फेमस है, ठीक है जी। अगर आपसे पूछे किसके लिए प्रोजेक्ट कब शुरू होता है, तो 1972 में प्रोजेक्ट शुरू हुआ था। 1972 में हुआ था, कहां से हुआ था, गिर नेशनल पार्क से प्रोजेक्ट लॉन्च की शुरुआत होती है, गिर नेशनल पार्क 1972, ठीक है, इसकी शुरुआत होती है। और जो अगर आपसे पूछे कि एशियाई शेरों का घर कौन सा है, तो गिर नेशनल पार्क को एशियाई शेरों का घर भी कहते हैं, एशियाई शेरों का घर, एशियाई शेरों का घर जो है ये गिर नेशनल पार्क को ही कहा जाता है। गिर नेशनल पार्क ऑल्सो कॉल्ड हाउस ऑफ एशियन लायंस, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हाथी। हाथी मेरे साथी आप सभी ने सुना होगा, ठीक है। तो हाथी मेरे साथी वाला हाथी जो है वो ये है, एलिफेंट, हाथी, हाथी, ठीक है। हाथी जो है यानी कि एलिफेंट, सबसे ज्यादा जो एलिफेंट है, सबसे ज्यादा एलिफेंट वो भारत में आपको कहां मिलेंगे, नंबर वन नोट कर लीजिए, कर्नाटक मिलेंगे। सबसे अधिक कहां मिलेंगे एलिफेंट, कर्नाटक में। और नंबर दो कहां मिलेंगे, असम में मिलेंगे। सबसे ज्यादा एलिफेंट कहां मिलते हैं, कर्नाटक असम। लेकिन सबसे ज्यादा हाथी अभयारण्य कहां पर है, सबसे ज्यादा हाथी अभयारण्य एलिफेंट रिजर्व कहां पर है, तो याद रखिए असम में सबसे ज्यादा हाथी अभयारण्य है, सबसे ज्यादा कितने हैं, पांच। हाथी अभयारण्य जो सबसे ज्यादा है वो असम में है, कितने हैं, पांच। जो हाथी है, हाथी, हाथी फेमस होता है अपने दांत के लिए, इसका अवैध शिकार दांत के लिए होता है, ठीक है जी। दांत को टस्कर भी कहते हैं, और जो दांत का व्हाइट पार्ट है इसको आइवरी कहते हैं, ध्यान रखना क्या बोलते हैं इसको, आइवरी, आइवरी। जो हाथी के दांत का ये व्हाइट पार्ट है, ये व्हाइट व्हाइट आपको दिख रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको कहा जाता है आइवरी, इसे कहा जाता है हाथी को, हाथी के जो दांत होता है इस वाले पार्ट को। प्रोजेक्ट एलिफेंट आप सभी जानते हैं शुरुआत कब होती है, 1992 में होती है। कहां से होती है, सिंह भूमि से होती है। अब आप पूछेंगे सिंह भूमि कहां है, तो सिंह भूमि कहां है, झारखंड। सिंह भूमि झारखंड से 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत होती है। और एलिफेंट के लिए प्रोजेक्ट राजाजी नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क में लगभग 2004-5 के आसपास चलाया जाता है, राजाजी में 2004-5 के आसपास। और वैसे प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत 1992 में सिंह भूमि झारखंड से हो चुकी थी, ठीक है। तो आपसे जनरली ये पूछेगा सर्वाधिक हाथी कर्नाटक में है, सर्वाधिक हाथी के लिए जो रिजर्व है वो असम में है, राजाजी में 2004-5 में। और हाथी के दांत को टस्कर या आइवरी कहते हैं, ठीक है जी, ये जो व्हाइट पार्ट है इसको आइवरी बोलते हैं। और प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत कहां से होती है, तो सिंह भूमि झारखंड से इसकी शुरुआत होती है। भारत में जो हाथी मिलता है जी, भारत में जो हाथी मिलता है वो हाथी मिलता है आपको काला, जनरली है ना ये। अब एक हाथी और मिलता है आप लोगों को, यह है व्हाइट एलिफेंट, यह है व्हाइट एलिफेंट यानी कि सफेद हाथी। सफेद हाथी, नोट कर लो, एक सवाल बनता है, सफेद हाथी व्हाइट एलिफेंट, सफेद हाथी कहां मिलती है, थाईलैंड में। अ कंट्री ऑफ व्हाइट एलिफेंट किसे बोलते हैं, तो याद रखिए थाईलैंड को बोलते हैं। एक हाथी और भी ले लेते हैं हम, चलिए एक हाथी हमारे पास और भी है, यह है हाथी विशालकाय हाथी, इसका नाम है मेमथ हाथी, मेमथ हाथी, मेमथ एलिफेंट। ये विलुप्त प्रजाति हो चुकी है, ये दुनिया में अब कहीं नहीं मिलती, विलुप्त प्रजाति। याद रखिएगा, सवाल बहुत पूछता है कि जो डोडो पक्षी था विलुप्त है वो कहाँ, मलेशिया में, रेड पांडा भूटान, भारत का, भारत और चाइना क्षेत्र से विलुप्त हुआ है। मेमथ हाथी कहाँ से हुआ, मेमथ, तो मेमथ हाथी विलुप्त हुआ है अफ्रीका से। ये कहाँ मिलता था, अफ्रीका में, अफ्रीका के जंगलों में इसकी भारी संख्या मिलती थी मेमथ हाथी की। लेकिन हुआ क्या, इसका जो टस्कर है ना, ये जो दांत है ये बहुत बड़ा होता है, और हाथी दांत आपको पता है बहुत कॉस्टली होता है। इसकी वजह से इस हाथी का अवैध शिकार हुआ, और मेमथ हाथी आज लगभग क्या हो चुके हैं, पूरे तरीके से समाप्त हो चुके हैं, ठीक है जी। तो तीन हाथी दिखा दिए मैंने आपको, एक तो इंडियन एलिफेंट हो गया,
दूसरा हमारा कौन सा हो गया था, व्हाइट एलिफेंट हो गया था, और तीसरा हमारा कौन सा हो गया, मेमथ। तो आपसे सवाल पूछेगी, मेमथ हाथी वर्तमान में विलुप्त हो चुके हैं। ये पहले कहां मिलते थे, तो याद रखिए पहले कहां मिलते थे, अफ्रीका में मिलते थे। इनका अवैध शिकार हुआ किसके लिए, इनके तस्कर के लिए जो है इनका अवैध रूप से शिकार होता है। आइए जी अब चलते हैं हिरण पर, हिरण पढ़ेंगे। हिरण भारत में आपको तीन मिलेंगे, कस्तूरी मृग, शिंगाई और हंगुल, ठीक है। तीन हिरण आपको जनरली देखने के लिए मिलते हैं। अब देखिए हिरण नंबर वन आपके सामने है, ये है हंगुल, है तो हिरण की प्रजाति, नाम क्या है इसका, हंगुल, हंगुल, ठीक है जी, हंगुल, या इसको क्या बोलते हैं, कश्मीरी स्टैग भी बोलते हैं, हंगुल, या इसे क्या बोलते हैं, कश्मीरी स्टैग भी कहा जाता है, कश्मीरी स्टैग। ये आपको कहां मिलते हैं, नॉर्थ वेस्ट हिमालय में मिलते हैं, उत्तर पश्चिमी हिमालय, नॉर्थ वेस्ट हिमालय मतलब जम्मू कश्मीर हिमालय, जम्मू कश्मीर हिमालय में आपको देखने के लिए हिरण मिलेगा, ठीक है। ये बर्फ में रह सकता है, स्किन मोटी, बाल अधिक होते हैं, और इनका भी अवैध शिकार हुआ था जिसको जिसमें इनको बचाने के लिए प्रोजेक्ट हंगुल की शुरुआत होती है दाचीग्राम से, दाचीग्राम नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर से 1970s में प्रोजेक्ट हंगुल की शुरुआत होती है दाचीग्राम नेशनल पार्क से, ठीक है जी। तो एक तो हमारा हिरण नंबर वन कौन सा हो गया, हिरण नंबर वन हमारा हो गया प्रोजेक्ट हंगुल, हंगुल दाचीग्राम नेशनल पार्क 1970 से इसकी शुरुआत। दूसरा हमारा हिरण है कस्तूरी मृग, ये जो हिरण है यह कस्तूरी मृग, इंग्लिश में से बोलते हैं मस्क डियर, कस्तूरी मृग, इसके संरक्षण की शुरुआत होती है 1970 से होती है, कहां से होती है, केदारनाथ, केदारनाथ वन्य जीव अभ्यारण्य से इसकी शुरुआत की जाती है, ध्यान रखना। तो हंगुल की शुरुआत, हंगुल को बचाने की शुरुआत 1970 दाचीग्राम से होती है, ठीक है जी। और जो हिमाचल, उत्तराखंड और नेपाल में मिलेगा मिलेगा कस्तूरी मृग, ये जो है 1970s के दशक में शुरू में इसकी शुरुआत होती है, और कहां से होती है, तो केदारनाथ से इसकी शुरुआत होती है 1970 से, 1970 से, ठीक है जी। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि जो कस्तूरी मृग है इसमें कस्तूरी इसमें कहां मिलती है, कस्तूरी जो है इसमें कहां आपको कस्तूरी मिलती है? हाँ बिल्कुल, मैं जानता हूं कि ये जो कस्तूरी मृग परियोजना 1970 में शुरू हुई थी, ये IUCN के सहयोग से शुरू हुई थी, IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN के प्रयासों से, IUCN पढ़ा चुका हूँ मैंने पहले मैं आपको जैव विविधता में जी। इसमें जो कस्तूरी मिलती है वो कहाँ मिलती है, नाभि में मिलती है, कहाँ मिलती है, नाभि, नाभि पित्ताशय, पित्ताशय गॉलब्लैडर में इसकी जो है, गॉलब्लैडर में इसकी कस्तूरी मिलती है, ठीक है। चलिए कस्तूरी की खोज जो की थी वो किसने की थी, एल खारिजा, कस्तूरी जो इससे मिलती है, कस्तूरी की खोज किसने की थी, एल खारिजा ने की थी 1926 में, ध्यान रखिए एल खारिजा ने 1926 में कस्तूरी की खोज की थी, ठीक है जी, एल खारिजा थे। कस्तूरी जो होती है, जो कस्तूरी से मिलती है उसमें क्या होता है, क्या ऐसा होता है, उसको मेडिसिन में यूज करते हैं कस्तूरी को, कस्तूरी में क्या ऐसा होता है आपको बताना है, कस्तूरी में क्या ऐसा होता है, तीस से पैतालीस ग्राम, ठीक है मैं समझ गया, कस्तूरी में क्या ऐसा होता है कि इससे कस्तूरी मिलती है, कस्तूरी में इसकी क्या मिलता आप लोगों के सामने, इसकी कस्तूरी से आपको मिलेगा मिथाइल ट्राइक्लोरो पेटाडेकेनॉल,
जिसको मेडिसिन में यानी कि दवाइयों में इसका प्रयोग किया जाता है 30 से 45 ग्राम, बिल्कुल जी, किसी किसी में 50 ग्राम तक भी मिल जाती है आप लोगों को, ठीक है जी। मिथाइल ट्राइक्लोरो डेका ट्राइक्लोरो पेटाडेकेनॉल जो है इसकी कस्तूर भी मिलता है, जो मेडिसिन में बहुत बड़ी मात्रा में जो है वो यूज किया जाता है, ठीक है। एक सवाल मेरा और भी है, आप सभी जानते हैं कि मस्क डियर प्रोजेक्ट की शुरुआत कहां से हुई, केदारनाथ से। केदारनाथ के साथ साथ एक और नेशनल पार्क से इसकी शुरुआत हुई थी। केदारनाथ में से मस्क डियर की शुरुआत तो हुई थी, प्रोजेक्ट मस्क डियर कस्तूरी परियोजना केदारनाथ से शुरुआत है, लेकिन मैंने आपको बोला कि केदारनाथ के साथ साथ इसकी शुरुआत एक और से भी हुई थी, वो कहां पर है, वो कौन सा है? एक और नेशनल पार्क से इसकी शुरुआत हुई थी केदारनाथ के साथ साथ। केदारनाथ के साथ साथ एक और नेशनल पार्क है जहां से इसकी शुरुआत होती है, कौन सा था वो? कांचू का खरक तो केदारनाथ का ही पार्ट है जी, हिमाचल प्रदेश का था, शिकारी देवी, नोट कर लेना इस बात को, शिकारी देवी नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश, शिकारी देवी नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश, यहां से भी इसकी शुरुआत होती है। तो याद रखिए मस्क डियर प्रोजेक्ट की शुरुआत जो हुई थी वो केदारनाथ से हुई थी और साथ में शिकारी देवी नेशनल पार्क कहां पर, हिमाचल, इन दोनों से इसकी शुरुआत होती है, दोनों से इसकी शुरुआत होती है, ठीक है जी। कस्तूरी की खोज किसने की थी? एल खारिजा ने 1926 में की थी। मिथाइल ट्राइक्लोरो पेटाडेकिनॉल मेडिसिन आपको ये यहां से मिल जाएगी। अगला एक और हिरण है, हिरण नंबर 3, इसका नाम है शिंगाई। ये कहां मिलता है आपको? मणिपुर में मिलता है। मणिपुर में कहां मिलता है, इसका निवास कहां पर है? लोकटक झील। मणिपुर में जो इसका निवास है वो कौन सी झील है? लोकटक झील। लोकटक झील, लोकटक झील में इसका निवास कहां पर है? काइबल 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 लामजाऊ, काइबल लामजाऊ नेशनल पार्क, जिसको वर्ल्ड फ्लोटिंग पार्क, दुनिया का तैरता हुआ पार्क ही बोलते हैं, ये इसका मेन जगह है। यहां पर आपको शिंगाई मिलेगा। ये हिरण आपको देख के नाचेगा, इसलिए इसको डांसिंग डियर भी कहते हैं। डांसिंग डियर, नाचने वाला हिरण, यानी कि डांसिंग डियर नाम से कौन फेमस है? तो याद रखिए शिंगाई डांसिंग डियर नाम से फेमस है, ठीक है जी। तो तीन हिरण मैंने आपको हिमालयन रीजन में दिखा दिए। पहला हंगुल नॉर्थ वेस्ट हिमालय में, ठीक है जी, उत्तर पश्चिमी हिमालय में। उत्तरी हिमालय में कौन सा आ गया आपका? कस्तूरी मृग। और नॉर्थ ईस्ट हिमालय में कौन सा आता है? तो नॉर्थ ईस्ट हिमालय में आपका आ रहा है हंगुल। हंगुल कहां आता है? नॉर्थ ईस्ट हिमालय, नॉर्थ ईस्ट हिमालय में हंगुल आ जाएगा, ठीक है। इसको थामिन भी कहते हैं, इसको थामिन भी कहते हैं, शिंगाई भी कहते हैं, ठीक है, और डांसिंग डियर भी इसी को ही कहा जाता है। इतने सारे जो हैं इसके नाम हैं। तो अभी हमने देखा कि जो इससे पहले दो हिरण थे, दाचीग्राम में कौन सा? हंगुल, 1970 में शुरुआत होती है। केदारनाथ में कस्तूरी मृग, 1970 में इसकी भी शुरुआत होती है, 1970 में। लेकिन जो ये था डांसिंग डियर, इसका हुआ था शुरुआत 1977 में इसकी शुरुआत होती है, 1977 में इसकी शुरुआत आपको देखने के लिए मिलेगी, ठीक है जी। डांस क्यों करता है? मन है उसका डांस करने का, मूड है, मूडी है, जब खुश होता है तो डांस करता है। पिछले दो पैरों पे खड़ा हो जाएगा, अगले पैर उठा लेगा ऊपर, डांस कर लेगा, क्या दिक्कत है ना। बंदर भी तो डांस कर लेता है कई बार, मजे मजे में मूड मूड में डांस कर लेता है। अभी देखा बंदरों को, बिल्कुल वैसे यही करता है। हम भी डांस करते जब हमारा मूड होता है, शादी में भाई होते हैं, कोई कितना भी खींचे हम डांस नहीं करते, जब मूड कर गया या मूड बन गया तब तो हम डांस करते ही करते हैं। रेड पांडा अगला है जो आपका जीव है, यह है रेड पांडा, ठीक है। लाल पांडा लगभग 4000 मीटर की हाइट तक हिमालयन क्षेत्र में आपको रेड पांडा मिलेगा। रेड पांडा जो मिलता है ये जनरली कहां मिलता है आपको? जनरली मिलता है नॉर्थ ईस्ट हिमालय में, उत्तर पूर्वी हिमालय में आपको मिलेगा। नॉर्थ ईस्ट हिमालय में ये कहां मिलेगा? कहां मिलेगा?
याद रखिएगा, एक तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया, भारत में आपको अरुणाचल में मिलने मिलेगा, भूटान देश भूटान में मिलेगा, और चाइना में आपको मिलेगा रेड पांडा। ठीक है जी, ये वर्तमान में दुनिया की विलुप्त प्रजाति हो चुका है, ये विलुप्त प्रजातियों में आ चुका है, यानी कि ये प्रजाति अब आपको देखने के लिए नहीं मिलती है रेड पांडा। ठीक है जी, इसको इसको जो है कैट बियर भी कहते हैं, जो ये है इसको कैट बियर भी कहते हैं, ध्यान रखना, इसी को कैट बियर नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे सवाल पूछे कि कैट बियर नाम से हिमालय में फेमस कौन है, तो कैट बियर नाम से फेमस कौन है, रेड पांडा को कैट बियर नाम से भी जाना जाता है। रेड पांडा जो है इसके लिए जो प्रोजेक्ट चला था वो चला था पद्म जनायाडू, पद्म जनायाडू, पद्म जनायाडू एक नेशनल पार्क है, कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में पद्म जनायाडू नेशनल पार्क है। 1996 में इसके प्रोडक्शन के लिए वहां से प्लान चलता है। ठीक है जी, इसके अलावा का, इसके अलावा जो चाइना में भी चला है, भूटान में भी चला है, लेकिन हमारे यहाँ जो पद्म जनायडू हिमालयन जंतु पार्क है वहां से इसकी शुरुआत होती है। WWF वर्ल्ड वाइल्ड फंड फॉर नेचर इसकी हेल्प से चला था। जो केदारनाथ में मस्क डियर चला था वो IUCN की हेल्प से चला था, लेकिन जो रेड पांडा के लिए चला है WWF की सहयोग से, प्रयासों से ही चला है। सुंदर जीव है और इतिहास गवाह है कि जब कोई जीव सुंदर होता है तो मानव उसका शिकार कर लेता है। द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड GIB, कभी भारत का राष्ट्रीय पक्षी बनने की होड़ में था द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, आप लोगों ने नाम सुना होगा इंडियन बस्टर्ड। बहुत ही ज्यादा संकटग्रस्त प्रजाति है द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भारत में। ठीक है, द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है इसके लिए एक प्रोजेक्ट चला था, प्रोजेक्ट गोदावण, प्रोजेक्ट गोदावण जो है इसके लिए प्रोजेक्ट चलता है, प्रोजेक्ट गोदावण। अब देखिए प्रोजेक्ट गोदावण क्यों चला, क्योंकि इसको राजस्थान में गोदावण कहते हैं, इसी को जो यही जो है इसको राजस्थान में क्या बोलते हैं, इसको राजस्थान में गोदावण कहते हैं, गोदावण राजस्थान में से क्या बोलते हैं, गोदावण। इसलिए राजस्थान ने सबसे पहले इसके लिए शुरू किया प्रोजेक्ट गोदावण, कौन से, मरुस्थल नेशनल पार्क, डेजर्ट नेशनल पार्क राजस्थान में एक, वहां से इसकी शुरुआत होती है। ठीक है जी, प्रोजेक्ट गोदावण की, प्रोजेक्ट गोदावण, प्रोजेक्ट गोदावण 2013 में मेनली फोकस में आता है। ठीक है जी, 2013, तो आपसे पूछा कि प्रोजेक्ट गोदावण का संबंध किससे है, तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, सर्वाधिक ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहां मिलेंगे, मरुस्थल नेशनल पार्क राजस्थान में आपको सर्वाधिक अभी वर्तमान में ये मिलने हैं। विलुप्ति की कगार पे पहुंच चुके हैं ये भी। इसे देखिए, ये सुंदर सा जीव है कछुआ, कछुआ, ये कौन सा कछुआ है, इसका नाम है विशालकाय कछुआ, विशालकाय कछुआ, विशालकाय कछुआ, इसका नाम है असली ओलिव, ओलिव रिडले, ओलिव रिडले टर्टल। दुनिया में बहुत कम जगह पे आपको ये मिलता है ओलिव रिडले, दुनिया में आपको ये मिलता है सर्वाधिक अमेजन, विशालकाय कछुआ है अमेजन के मुख पर, अमेजन नदी घाटी के मुख पर मिलता है, उसके बाद ये मिलता है भारत में उड़ीसा के तट पर। भारत में आपको मिलेगा कहां पर, उड़ीसा का तट, उड़ीसा तट पर आपको मिलेगा ओलिव रिडले टर्टल। उड़ीसा में जो एक नदी बहती है ऋषिकुल्या, ऋषिकुल्या नदी, ऋषिकुल्या नदी का जो तट है, ऋषिकुल्या का तट, गंजम तट इसके लिए फेमस है, गंजम कोस्ट इसके लिए प्रसिद्ध है, ओलिव रिडले के लिए गंजम तट यानी कि गंजम कोस्ट। ठीक है जी, इसके अलावा उड़ीसा में भीतरकनिका, भीतरकनिका नेशनल पार्क है, वो भी ओलिव रिडले के लिए प्रसिद्ध है। ज्यादातर आपको कहां मिलते हैं, गंजम तट, गंजम कोस्ट में ओलिव रिडले टर्टल मिलेंगे। ठीक है जी, जी इसके अलावा जो एक जगह पड़ती गहीर माथा, गहीर माथा उड़ीसा, गहीर माथा उड़ीसा, सबसे ज्यादा आपको यही मिलेंगे प्रजनन के लिए, ब्रीडिंग के लिए ये कछुए यहीं पर आते हैं। याद रखेगा
इनका सबसे बेस्ट प्लेस ब्रीडिंग के लिए गहीरमाथा है। गहीरमाथा जो है ये महानदी और धर्मा नदी के बीच का क्षेत्र है। महानदी और धर्मा नदी के बीच का क्षेत्र कौन सा? गहीरमाथा। महानदी और धर्मा नदी के बीच का क्षेत्र कौन सा? गहीरमाथा। उड़ीसा का तट, गंजम तट, भितरकनिका, वहां पर जगह गहीरमाथा, वहां प्रजनन के लिए, ब्रीडिंग के लिए आते हैं। जो सवाल पूछेगा गहीरमाथा किन दो नदियों के बीच है? महानदी और धर्मा नदी के बीच है। ओलिव रिडले टर्टल, विशाल काय कछुआ, ठीक है जी, ये आपको हमले का फेम मेनली। ये देखिए जी आपको क्या देखने में लग रहा है, यह है गैंडा। गैंडा यानी कि राइनो। गैंडे भी दो होते हैं, एक सिंग वाला, दो सिंग वाला। भारत में जो गैंडे मिलते हैं वो वन हॉर्न राइनो है। भारत में जो गैंडे हैं वो एक सिंग वाले गैंडे हैं। एक सिंग वाला गैंडा भारत में बहुत मिलेगा आपको, एक सिंग वाला गैंडा, टू थर्ड एक सिंग वाले गैंडे भारत में आपको मिलेंगे, दो तिहाई वन हॉर्न राइनो आपको कहाँ मिलेंगे? भारत में ही देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है जी। जो गैंडे हैं, गैंडा सर्वाधिक कहाँ मिलता है आपको? काजीरंगा में, असम में। कहाँ मिलता है? काजीरंगा में। उसके बाद कहाँ मिलता है? मानस, ये भी कहाँ पर है? असम में। काजीरंगा और मानस, यहाँ पर आपको सर्वाधिक वन हॉर्न राइनो मिलेंगे। और यहीं पर, यहीं से 1987 में परियोजना प्रोजेक्ट राइनो की शुरुआत होती है। गैंडा परियोजना प्रोजेक्ट राइनो, इसकी शुरुआत कब होती है? 1987 में दो नेशनल पार्क काजीरंगा और मानस से हुई है। मेनली हम क्या बोलेंगे? मेनली कहां से हुई है? काजीरंगा। हाँ जी, वेस्ट बंगाल में मिलता है, वेस्ट बंगाल में मिलता है ये जालदा पारा। वेस्ट बंगाल में मिलता है जालदा पारा में, ध्यान रखना जालदा पारा। वेस्ट बंगाल में एक नेशनल पार्क है, वहां से पर आपको ये मिलेगा। मेनली काजीरंगा और असम में आपको मिलेगा। 1987 में प्रोजेक्ट राइनो की शुरुआत होती है। वन हॉर्न राइनो आपको बस दुनिया में सर्वाधिक कहां मिलते हैं? तो भारत में ही मिलते हैं वन हॉर्न राइनो। चलिए ठीक है। मगरमच्छ, क्रोकोडाइल, घड़ियाल, जो मर्जी बोलो, प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल की शुरुआत होती है भितरकनिका नेशनल पार्क से। भितरकनिका नेशनल पार्क, भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क से शुरुआत होती है प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल की, ठीक है जी। प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल भितरकनिका नेशनल पार्क 1975 में यूएनडीपी के सहयोग से चला था। 1975 यूएनडीपी के सहयोग से, यानी कि यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसके सहयोग से शुरू होता है भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान में प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल, ठीक है जी। भारत में मगरमच्छ आपको सर्वाधिक यही मिलेंगे, लेकिन मगरमच्छ सर्वाधिक किस नदी में मिलेंगे जिसको मगरमच्छ का घर भी कहते हैं? तो याद रखिए वह है चंबल नदी। चंबल नदी घाटी को भारत में मगरमच्छ का घर भी कहते हैं, ठीक है जी। सर्वाधिक मगरमच्छ चंबल नदी घाटी में आपको मिलेंगे। उसके अलावा अगर पार्क पूछे तो भितरकनिका नेशनल पार्क आपको सर्वाधिक मगरमच्छ यहीं पर ही मिलने हैं। तो ये हमारे फेमस फेमस प्रोजेक्ट थे जो भारत में चलाए गए थे वन्य जीवों को बचाए रखने के लिए, ठीक है। इसमें आपसे कुछ पूछ लेगा, एलिगेटर मैं करा चुका हूं पहले ही, हाँ एलिगेटर भी बोलते हैं उसको, सॉरी, ठीक है। ब्लैक बक, ओके, ब्लैक बक आपको मिलते हैं जामनगर गुजरात में, मिली गुजरात मध्य प्रदेश में मिलेंगे आपको। एक काले रंग का हिरण होता है, काला हिरण बोल दो इसको, कोई दिक्कत नहीं है, काला हिरण। तो भारत में देखो चार प्रकार के हिरण मिल गए आपको। नॉर्थ वेस्ट में हंगुल, यहां कस्तूरी मृग, यहां थामसिन, और बचे हुए में कौन सा? ब्लैक बक यहां पर, ठीक है। हाँ सलमान खान, हंस रहे हो तुम लोग सलमान खान पे, सलमान खान इसी को मार के जेल में जा रखा है, ब्लैक बक को मार के ही। चलिए ठीक है, नोटिफिकेशन जरूर चेक कीजिएगा। ये आपके कुछ प्रोजेक्ट मैंने आपको जो बता दिए हैं, जल्दी मैं कल फिर एक लेक्चर लेके आऊंगा टाइप ऑफ फॉरेस्ट, वनों के प्रकार पर।
पीडीएफ इन सब की मैं आपको दे दूंगा, बेहतर है कि आप इनको देख के खुद नोट्स बनाएं, लेकिन छोटे छोटा जो फ्रेमिंग करके नोट्स में आपको जरूर प्रोवाइड करवा दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।